और बात अब दो राज्यों के विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड की करेंगे। और सबसे पहले महाराष्ट्र की बात, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को है। मुंबई के वर्ली सीट पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि वहां शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मिलिंद देवड़ा की टक्कर है। मिलिंद देवड़ा का चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, उनके साथ देखिए वोट यात्रा। हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं और इस बार उन्होंने वर्ली विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। मिलिंद सर, आज आपने नामांकन दाखिल किया वर्ली सीट से, काफी हॉट सीट है ये एक, तो कैसे देखते हैं, किस तरह का जनता का रिस्पॉन्स है आपके लिए? देखिए, ये हॉट सीट मीडिया में हो सकती है, लेकिन हॉट इसलिए भी है क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र को हम आगे ले जाना चाहते हैं। ये स्पीड ब्रेकर की जो राजनीति है, हर चीज को अपोज करो, अपोज फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग, ये राजनीति नहीं होना चाहिए। इसे रेस कॉस का काम आम मुंबई करो के पास आज पूरी मुंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें आम आदमी उस पार्क का उपयोग कर सकता है। इसका किसी ने विरोध किया? क्यों विरोध किया? मेट्रो का काम हो रहा था, जानबूझ के कुछ लोगों ने उस मेट्रो के काम के सामने स्पीड ब्रेकर लगाया, उसकी वजह से मेट्रो का काम 4 साल डिले हुआ, 14,000 करोड़ का नुकसान हुआ। जो लोग स्वयं गाड़ी में जाते हैं, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उन्होंने उपयोग नहीं किया। जो आम लोग हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं, जिनके पास गाड़ी नहीं है, स्कूटर नहीं है, आप उनको परेशान क्यों करें? तो ये स्पीड ब्रेकर की राजनीति के खिलाफ मैं मानता हूं कि वर्ली में मुख्यमंत्री साहब शिंदे साहब स्वयं कैंडिडेट है, उनकी इच्छा है कि वे वर्लीकरों की समस्याओं को दूर करें, मुंबई को आगे ले जावे, महाराष्ट्र को आगे ले जावे। युवाओं के, महिलाओं के हाथ को वे मजबूत करना चाहते हैं, महिलाओं के हाथ को उन्होंने ऑलरेडी मजबूत किया है, युवाओं के भी हाथों को उनको मजबूत करना चाहते हैं। कोई नेगेटिव पॉलिटिक्स हमको नहीं करना है, ये पर्सनल बैटल नहीं है। ये आदित्य ठाकरे को मैं बचपन से जानता हूं, मुझे भी बहुत अपेक्षाएं थी जब आदित्य ठाकरे जी दक्षिण मुंबई में आए, हमें लगा कि बहुत कुछ काम होगा यहाँ, लेकिन अफसोस की बात है कि गलत वादे देना, लोगों को गलत तरह से प्रभावित करना, फॉल्स प्रोमिसेस देना, फॉल्स नैरेटिव चलाना, ये राजनीति को हम समाप्त करना चाहते हैं। बहुत सर, एक और सवाल है सर मेरा कि लोगों में कंफ्यूजन है, तो ये थे एक मिलिंद देवड़ा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो चुनाव है, ये जो स्पीड ब्रेकर्स लगे हैं वर्ली के सीट पे यहाँ के डेवलपमेंट में, तो उस स्पीड ब्रेकर को हटाने का चुनाव है। और यहाँ से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो हैं, खुद एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया है मिलिंद देवड़ा ने, और उन्होंने आदित्य ठाकरे पर भी परोक्ष रूप से कटाक्ष किया है कि किस तरह से उन्होंने यहाँ के मेट्रो के काम को किस तरह से अपोज किया था, जिसकी वजह से जो यहाँ की डेवलपमेंट है वो रुक गई। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ आनंद सिंह, मुंबई। वर्ली इलाके में, और वर्ली इलाके का ये है गांधीनगर एरिया। गांधीनगर एरिया इसलिए भी खास है क्योंकि ये पहले एक स्लम हुआ करता था, मगर अब यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो छोटे छोटे फ्लैट्स हैं उनमें लोग रहते हैं, काफी कम स्पेस होता है इन फ्लैट्स में, मगर लोग अपनी जिंदगी यहाँ यूं ही बसर करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए यहाँ के काफी लोकल जो रेसिडेंट्स हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वर्ली में मुद्दे क्या हैं, क्योंकि वर्ली 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में काफी हॉट सीट बन गई है। यहां से शिवसेना यूबीटी से आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, 2019 से लगातार वो इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं महाराष्ट्र असेंबली में। वहीं उनके सामने इस बार मिलिंद देवड़ा हैं, काफी बड़े नेता हैं, वो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट पार्टी से वो इस बार चुनाव में अपनी सीट पे, वर्ली की सीट पे वो ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। और वहीं इस सीट पे ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बनाया है एमएनएस के कैंडिडेट जो हैं संदीप देशपांडे। तो यहाँ पे काफी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वर्ली में मुख्य मुद्दे क्या हैं और यहाँ लोगों को किन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम संदीप बाबूराव कदम है, मैं यहाँ का कस्तूरबा गांधीनगर का रहवासी हूँ।
और सबसे प्रथम मैं आपके चैनल की तरफ से सभी भारतवासियों को दीपावली की शुभकामना देना चाहता हूँ। मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में? महाराष्ट्र में चुनाव है, वर्ली की सीट काफी हाई प्रोफाइल हो गई है, आदित्य ठाकरे हैं, मिलिंद देवरा जैसे कद्दावर नेता हैं और फिर संदीप देशपांडे भी हैं, तो किन मुद्दों पर जनता इस बार वर्ली की सीट से वोट करेगी? वर्ली में तो बहुत सारे मुद्दे, स्लम का मुद्दा है, अभी बीड़ी चाल का मुद्दा है, वर्ली कोलीवाड़ा के डेवलपमेंट का मुद्दा है, जीजा माता नगर के मुद्दे, ये गांधीनगर के भी बहुत सारे मुद्दे, मतलब बहुत सारे मुद्दे है वर्ली में। ऐसा नहीं कि मुद्दे, मतलब ये बहुत सालों से चल भी रहे लेकिन अभी तक कोई मतलब छुड़ा नहीं पा रहे। हर प्रतिनिधि आते अपने अपने वादे करते लेकिन फिर 5 साल के बाद वही पब्लिक के लिए वही रोना होता है लेकिन कोई छुड़ा नहीं पाते हैं। अभी इस बार तो मतलब तीनों भी है कैंडिडेट लेकिन तीनों भी कैंडिडेट ने अभी तक हम लोग क्या करने वाले हैं वो विजन भी नहीं रखे। वो लोगों के प्रति वो विजन आना चाहिए कि हम लोग आपको क्या देना चाहते हैं और आप हमारे से क्या अपेक्षा करते हैं, वो अभी तक ये इलेक्शन में कोई आया ही नहीं है। तो लास्ट 5 साल से आदित्य ठाकरे आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके बेटे हैं, तो उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? और फिर बीच में जब महायुति की सरकार आ गई थी तो इस सरकार का रिपोर्ट कार्ड आप कैसे देखते हैं कि उन्होंने कितना काम किया आपके क्षेत्र में लोगों के लिए? इस क्षेत्र में तो पिछले 50 साल से शिवसेना ही काम आती है, मतलब ऐसे नहीं हम लोग आदित्य ठाकरे की तरफ नहीं देखते। इस मतलब जब ये स्लम था तभी दत्ता जी नल्लावड़े थे, पहले जो यहाँ के कारपोरेटर थे, फिर आमदार बन गए, विधान परिषद के सभापति भी बन गए, तो उन्होंने काफी तरफ से लोगों को मदद की थी। फिर उसके बाद में अलग अलग नगर सेवक होते गए, वो शिवसेना की तरफ से, मतलब ये एक तरफ से गया तो एक शिवसेना का बाले किला है। आदित्य ठाकरे ने भी अपने अपने तरफ से हर मुद्दे को मतलब उसका हर प्रश्न का हल करने का कोशिश किया है। आपका नाम? जी मेरा नाम दिलावर शेख है, मैं यहाँ पिछले 50 सालों से यहाँ के इस नगर में हूँ, छोटे से बड़ा हुआ हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आने वाली दीपावली की शुभेच्छा मैं सभी देशवासियों को देता हूँ। और यहाँ पर हमारे देशवासी जिस तरह से एकता का नारा लगा के चलते हैं, इसी तरह से हम लोग भी यहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ में ही रहते हैं। और रही बात मुद्दों की, तो पिछले कई सालों से हम यहाँ पर आए, हमारे सामने एक छोड़ के 5-5, 6-6 एमएलए बदली हो चुके हैं, खासदार बदली हो चुके हैं, आजू बाजू के नगर सेवक ये भी बदली हो चुके हैं। अपने कालावधि के अंदर जो कुछ भी वो करते हैं तो वो थोड़ा ही करते हैं। आज हम लोग जो झोपड़पट्टी में थे वो सुख सुविधा से थे, घर में आराम से जाते थे, मगर आज ये जो हमारे पीछे रीडेवलपमेंट करके जो लीप लगाई गई है, इस लीप का गवर्नमेंट से हमारे को कोई फायदा नहीं है। और गोर गरीब जो लोग है जो मेंटेनेंस निकालते हैं उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक जो तकलीफें होती है, ये तकलीफों की जो खर्चे जो होते हैं ये बर्दाश्त नहीं होते। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जो भी एसआरए की जो बिल्डिंग है इसके अंदर जो मेंटेनेंस के जो खर्चे है इसके अंदर उन्होंने भी भुगतान करना चाहिए और हमारी समस्याओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये जो रोड की तकलीफ है, बाकी और चीजों की जो तकलीफ है, जिस तरह से आजू बाजू में बीडीडी जाल है उनका डेवलपमेंट हो रहा है, इधर इस तरफ से जीजा माता नगर है वहां पर भी डेवलपमेंट हो रहा है, कार्य हो रहा है, लेकिन कार्य होने के बाद में जो उनका प्रपोजल हो जाता है उसके बाद की जो दुविधाएं होती है, ये मध्यम वर्ग के लोगों के लिए वो दुविधाएं बहुत मुसीबत है, बहुत तकलीफ है। एक गरीब आम आदमी जो दो रोटी के लिए जो कमाता है वो किस किस चीज का उसका भुगतान करेगा, क्या क्या चीज का भुगतान करेगा? बेचारा अपने बाल बच्चों का, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का देखेगा या फिर यह बिल्डिंग के मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान देगा? सरकार को ये चीज सोचना चाहिए। और आने वाले जो भी हमारे यहाँ पर जो भी चुन के आते हैं ये स्टार्ट में अपना नाम के लिए थोड़ा कर देते और बाद में फिर रखड़ जाते हैं, मगर यहाँ पर हमारा जो इलाका है वह बड़ी दक्षिण मुंबई विधानसभा जो दिया गया है ये हमारा शिवसेना का, उद्धव साहब ठाकरे का, बाला साहब ठाकरे का गढ़ है और यहाँ पर उनका